हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत ही खास और स्पेशल है। ये घरेलू रेमेडी आपके बालों को काला, लंबा और घना बना देगी और साथ ही आपके बालों को झड़ने से तुरंत रोक देगी। इसको हम उन्हीं चीजों से बनाएंगे जो कि सभी घरों में बड़ी आसानी से मिल जाती है। बहुत ही पुराने टाइम से लोग इस नुस्खे को यूज करते आ रहे हैं। ये मेरा खुद का अजमाया नुस्खा है। फ्रेंड्स, ये नुस्खा ऐसा है जो कि झड़ते बालों को तुरंत रोकने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा असरदार है जो कि आपके बालों को देखते ही देखते लंबा, काला और खूबसूरत बना देगी, साथ ही आपके बालों का झड़ना भी रोक देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है राइस, यानी कि चावल। चावल जो है आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। चावल में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके बालों की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। चावल में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके बालों को घना और लंबा बनाते हैं और साथ ही आपके रूखे सूखे बालों को सिल्की और शाइनिंग भी बनाते हैं। चावल का इस्तेमाल आपके स्कैल्प को ठंडक देगा और जितनी भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सभी को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और साथ ही अगर आपके बालों में डैंड्रफ है उसको भी रिमूव करने में काफी हेल्प करेगा। अब इसके बाद दूसरी चीज आपको यहाँ पर लेनी है, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आपके बालों को चमकदार और स्मूथ बनाती है और साथ ही आपके बालों को काला, लंबा और घना भी बनाती है। मेनली फ्रेंड्स, से आपके बालों को झड़ने से रोकने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। अब इसके बाद में आपको एक खाली बर्तन लेना है। अब इसमें आपको सबसे पहले 2 ग्लास पानी लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके बाद इसमें आपको 2 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। इसकी क्वांटिटी आप ध्यान से देखिए, जितनी मात्रा में यूज कर रही हैं आप उतनी ही मात्रा में इसे यूज करिए। अब आपको इसमें ऐड करना है चावल। यहाँ पर आपको लगभग 100 ग्राम चावल ऐड करने हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी दालचीनी की स्टिक। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, दालचीनी जो है आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। यह आपके बालों को झड़ने से रोकती है और साथ ही आपके बालों को लंबा और काला भी बनाती है। आपको इसमें थोड़ी सी दालचीनी ऐड करनी है। अगर आपके पास है तो आप इसमें यूज करिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसको मिक्स करके बॉइल कर लेना है। ये यहाँ पर बॉईल हो रहा है, इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए, यानी कि 1 ग्लास के लगभग रहना चाहिए ताकि इसमें चावल का और जो चाय पत्ती का रस है इसमें अच्छे से समाहित हो जाए और एक हमारी मैजिकल रेमेडी बनकर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। ये मेरा खुद का अजमाया नुस्खा है फ्रेंड्स, और इसको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, वो भी कम समय में। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अभी हमारा 1 ग्लास के आसपास हमारा पानी रह गया है, अब इसको हम उतार लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब इसको आप किसी बाउल में स्ट्रेन कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। चावल और चाय की पत्ती के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और इसका रंग भी चेंज हो चुका है और एक हमारी ये मैजिकल रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए, इसके बाद में आपको लास्ट चीज जो ऐड करनी है वो है लेमन, यानी कि नींबू। लेमन आपके बालों को झड़ने से रोकता है और साथ ही आपके बालों को काला, लंबा और घना भी बनाता है। यहाँ पर मैं आधा लेमन का जूस ऐड करूंगी, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब ये हमारी रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इस रेमेडी को किस तरीके से यूज करना है। तो फ्रेंड्स, नहाने से 2 घंटे पहले इस रेमेडी को अपने बालों पर और स्कैल्प पर अच्छे से लगा लेना है, यानी कि आपको इस पानी से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में
इसे 2 घंटे तक लगाकर छोड़ देना है, इसको ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है। और उसके बाद में आपको किसी माइल्ड शैम्पू से या हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो अगर आप अपने बालों पर मेहंदी लगाते हैं तो आप इस पानी को भी उसमें ऐड करके अपना मेहंदी का पेस्ट बनाकर अपने बालों पर भी लगा सकते हैं। काफी अच्छी और अजमाया हुआ नुस्खा है, एक मैजिक की तरह अपने बालों पर काम करता है। बिलीव मी फ्रेंड्स, एक मैजिकल रेमेडी है, इसको आप एक बार यूज करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज जल्दी से इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे ही घरेलू रेमेडीज लाती रहूंगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली होंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।